नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में, मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो आपके लिए और आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम हो क्या हो सकता है इन दिनों, इन 7 दिनों में, और एंजल की गाइडेंस, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त, 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। लिब्रा, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी में क्यों आया है आपके पर्सन, देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लिब्रा, मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज्यादा खुद की स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो भी काम किया है पहले, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस पर, उसका जो रिजल्ट है, उसको उसका जो फ्रूटफुलनेस है, उसकी जो मेहनत की जो परिणाम है वो उनको मिल जाए, इसका इंतजार ये कर रहा है। फर्स्ट, फिनेंशियल स्टेबिलिटी फिलहाल उनके पास उतना नहीं है, या फिर जो था उसमें कुछ लॉसेस हुआ है, फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, सब कुछ है, पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, साथ ही साथ उनको स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से आप लोगों की रिश्ते में भी प्रॉब्लम है। आप अगर इनके साथ शादीशुदा हो तो ये शादी के जो रिश्ते हैं उसको रखना चाहते हैं और उसको स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, सिर्फ लव रिलेशन में हो, शादी करने वाले हो, तो भी ये शादी के बारे में सोच रहा है। अगर आप शादी में भी नहीं हो, लव रिलेशन में हो, जो रिश्ता सिर्फ प्यार का होता है, कोई डिमांड नहीं, मतलब अगर आप खुद भी शादीशुदा हो फिर भी इनके साथ दिल से जुड़े हुए हो, तो भी ये अपनी स्टेबिलिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है। सेकंड प्रायोरिटी उनका, उनके लिए उनकी शादी है। थर्ड प्रायोरिटी जो है रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश ये कर रहा है। रिश्ते में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया है, रिश्ते में भी बग दिया, इमोशन दिया, उन चीज़ों को ये अभी पाने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी ये और कुछ करना नहीं चाहते हैं। जो करना था वो कर लिया, ऐसा उनको लगता है, चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो। जॉब इनके पास है, जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये मेहनत इन्होंने किया जितने करने की जरूरत थी, रिश्ते में भी उतना किया। उनको लगता है कि जितना मुझसे बन पड़ता था, जितना मैं कर सकता था या कर सकती थी, मैंने किया।
लेकिन अभी इनका जो परिणाम निकलता है, जो रिजल्ट है, उसका इंतजार इनको है, चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी हो, हर चीज में जो इन्वेस्टमेंट इनको करना था इन्होंने किया, अभी उसका रिजल्ट का ये इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो उनको मिलना है वो सही तरीके से मिल जाए। ग्रोथ हो, अबंडन हो, लव हो, स्टेबिलिटी हो, शादी हो, इसके लिए जो करना था ये कर लिया, अभी अभी ये कुछ करने के बारे में नहीं सोच रहा है। देख लेना लिब्रा आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं लिब्रा। लिब्रा आपकी खुद की करंट फीलिंग्स को हम देखेंगे अभी। एट ऑफ सोर्स लिब्रा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप खुद को किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में खुद को जकड़ा हुआ, बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, जैसे कि किसी ने आपको जकड़ के रखा है, बांध के रखा है, जबरदस्ती से आप खुद को किसी चीज में जकड़ा हुआ पा रहे हो। या देख लेते हैं, कार्ड आने दीजिए फिर बता रही हूं मैं। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपको खुद को, आप इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ पाते हो, जकड़ा हुआ पाते हो, आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और मुझे तो ऐसा लगता है आप खुद भी नहीं चाहते हो निकलना, लेकिन फिर भी आपको नए कुछ करने का इच्छा है। आप रिश्ते में नए पॉसिबिलिटीज को देखना चाहते हो, जैसे कि अगर लव में प्रॉब्लम चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप एक लव ऑफर के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिस रिश्ते में है उस रिश्ते को नहीं, कुछ नए किसी के साथ नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ये चाहकर भी इस रिश्ते से खुद को बाहर नहीं पा निकल के ला पा रहे हैं, लेकिन ये नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इस रिश्ते में इस तरीके से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, लेकिन उनको डिसीजन लेना है। कुछ लोगों के पास और भी रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी इसी रिश्ते को वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में वो पूरी तरीके से खुद को इन्वॉल्व पाता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हमको फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, और अगर रिश्ते में प्यार नहीं है उसी बंदे के साथ हो, लेकिन फिर भी उनके तरफ से ही प्यार आपको चाहिए। कुछ लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, वो इंतजार कर रहा है डिसीजन लेने का, या फिर उनके पर्सन क्या डिसीजन ले रहा है उनको लेके, इस बात का इंतजार कर रहा है। वो मेहनत करने के लिए राजी है, हर तरीके का जो रिश्ता है वो सारा रिश्ता रिश्ते में मेहनत करेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करेंगे, लेकिन अपने जरूरत के मुताबिक, जिसको जो चाहिए, किसी को इमोशन चाहिए, प्यार चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को अटेंशन चाहिए, ये सारा चीज मिलना चाहिए, इसका इंतजार ये कर रहा है लिब्रा। आप खुद कर रहे हो उन चीजों का इंतजार, या फिर आपके पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, या फिर आप किसी के साथ रिश्ते में हो लिब्रा, आप चाहते हो ये आपको एक स्टेबल लव ऑफर दे, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी दे, आपको चुने, आपको सिलेक्ट करे। अगर आप
पर्सन के पास और भी रिश्ता है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, किसी भी हालत में आप उनका अटेंशन पाना चाहते हो, उसके लिए आप खुद भी मेहनत करने के लिए राजी हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे, आप भी करोगे, लेकिन आप उनसे ही ये उम्मीद कर रहे हो या फिर आप देना चाहते हो ऐसा सिचुएशन। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। करंट एनर्जी में आपको भी स्टेबिलिटी चाहिए और आपके पर्सन को भी स्टेबिलिटी चाहिए। आपको भी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, आपके पर्सन को भी इमोशनल स्टेबिलिटी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। आपके पर्सन अगर शादीशुदा है ये और आप ही के साथ है तो ये शादी को स्टेबल बनाना चाहते हैं। जिन लोगों के शादी के रिश्ते नहीं है, लव रिलेशन है, वो रिश्ते को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, शादी की तरफ ले जाना चाहते हैं यूनिवर्स के भरोसे। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अब टू ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, फिनेंशियल स्टेबिलिटी और रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट। ये आपको खुद को भी पता है कि रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, या तो लिब्रा आपके तरफ से है या फिर आपके पर्सन की तरफ से, तो वो दोनों रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। और जिनके पास रिश्ते नहीं है, सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी ये बैलेंस करना चाहते हैं। देख लेते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। कुछ लोगों के रिश्ते में फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ है, इमोशनल बैगेज भी है, इमोशनल लॉसेस भी है, और दुखी, परेशान, इंडिसाइसिव तरीके से बंदा रुक ना नहीं चाहते हैं, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। ये बार बार मैं देख रही हूँ, ये पर्सन या तो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं या फिर इनके खुद के लाइफ में ये स्टेबिलिटी को चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनडिसाइसिव है, दोनों चीजों में जगलिंग कर रहा है, चाहे रिश्ता हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार हो, आप हो, और ये दर्द में भी है, परेशानी में भी है, और उनको क्लैरिटी चाहिए आपकी तरफ से कि आप चाहते क्या हो, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, किसी के लिए ये कार्ड आया है कि आप जो हो लिब्रा, आप डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो, ऑलरेडी आपके पास वो चीज है जिसके लिए आप डिसीजन लेना चाहते हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो। ये पर्सन कोई ऐसा है जिनके पर्सन डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है कि आप क्या डिसीजन लोगे, उनको क्लैरिटी चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा दर्द में है क्योंकि आपके पास और रिश्ते हैं और आपने उनको धोखा दिया। कुछ लोग रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी वगैरह करना चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, इस बात का उनको मतलब इस बात के लिए ये सोच रहे हैं कि रिश्ता स्टेबल बन जाए, कुछ भी हो जाए रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, और खुद भी स्टेबल होना चाहते हैं रिश्ते में भी, अपने लाइफ में भी, फिनेंशियली भी, हर तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं। कुछ लोगों को क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, इतना देर क्यों हो रहा है, डिसीजन क्या उनके तरफ से उनके बारे में लिया जा रहा है, उनके हक में लिया जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ लोग बहुत ज्यादा दर्द में हैं क्योंकि उनको ये पता चला है कि ये जिस बंदा या बंदी के साथ रिश्ते में है, मतलब लिब्रा आपके साथ जो भी लोग रिश्ते में है, उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है और आपने उनको धोखा दिया है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो लिब्रा। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है आपके पर्सन। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो लिब्रा। द फूल के कार्ड, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स के साथ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा और देखा भी, लिब्रा आप तो स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में कि आपको स्टेबिलिटी मिले, लेकिन आप डिसीजन लेने में वक्त लगा रहे हो। अभी आप अपने लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, नई शुरुआत चाहते हो। जो लोग शादीशुदा है एक दूसरे के साथ, वो लोग शादी, परिवार, बच्चे ये सब चाहते हैं। जो लोग शादीशुदा नहीं है वो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो लिब्रा शादीशुदा नहीं है लेकिन किसी के साथ रिश्ते में है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल बन जाए, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए। और जो रिश्ते में है लेकिन शादी के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन दिल से जुड़ा हुआ कोई रिश्ता है, रिश्ते में है, वो लोग अपने अंदाज में रहेंगे, अपने तरीके में रहेंगे, क्योंकि उनको आपके पर्सन से माफ़ी चाहिए अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है। अगर नहीं दिया है तो आप किसी की तरफ माफ़ी का जो मतलब माफ़ी मांगने जा सकते हो, किसी से माफ़ी मांग सकते हो, किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, या तो माफ़ कर देना चाहते हो या फिर माफ़ी मांगना चाहते हो जिनके साथ आपने गलत किया है। लिब्रा आप किसी भी तरीके से हर चीज़ को सही करना चाहते हो, शुरू से शुरू हो, जो हो गया उसे भूला जाए और चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए, ऐसा आप चाहोगे। अगर आपने किसी के साथ गलत किया, चाहे वो आपकी बच्चों की माता या पिता है, तो आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हो। कुछ लोग बच्चों की वजह से रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहेंगे, कुछ लोग ऐसा चाहेंगे जिन लोगों की शादी के मामले नहीं है, लेकिन हो सकता आपको खुद को लग रहा है लिब्रा कि आपने उनके साथ गलत किया है, तो आप उनसे माफ़ी मांगना और दोस्ती करना चाहोगे, ऐसा आपकी सोच रहेगी। और कुछ लोग अपनी स्टेबिलिटी पर बरकरार रहेंगे, कोई आए या ना आए, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। अभी दूसरा बंदा या बंदी अगर आ जाए तो रिश्ता सही होगा, जो भी होगा अपने तरीके से होगा, ऐसा आप सोच रहे हो लिब्रा। और जो हो गया उसको भूल के आगे बढ़ने के बारे में भी आप सोच रहे हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लिब्रा रिश्ते की आउटकम। सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए एक्शन लिया जाएगा, जो माफ करना या माफी मांगने की सोच आएगी। कुछ लोग जो है वो अपने आप में अरे रहेंगे, उनको लगेगा जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखो सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड के साथ। वर्ल्ड का कार्ड तो आपको पता ही है, रिश्ते चेंज होने जा रहा है, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए अपने अंदाज में हरे रहना ये उनकी खूबी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके लिए लिब्रा आप खुद माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हो और माफ़ करने के लिए भी तैयार हो, लेकिन कोई है जो माफ़ी नहीं लेगा, कोई है जो एक्शन ले रहा है, या तो आपके पर्सन एक्शन लेके चीज़ों को सही करेगा, जैसे कि पहले ही दिखाई दे रहा था कार्ड में, और वैसे ही रिलेटेड कार्ड भी फिर से आए हैं। और जिन लोगों में माफ़ करना, माफ़ी मांगना, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, चलो जो हुआ उसे छोड़ देते हैं, मूव ऑन करके क्या फ़ायदा, रिश्ते में रहना ही सही चीज़ है, तो उन लोगों के लिए रिश्ता एक नए सर्कल में जा रहा है।
रिश्ते में एक नया सर्कल शुरू हो रहा है, वो लोग स्पिरिचुअली ग्रोइंग पर्सन हैं जो हमेशा लेट गो करना जानते हैं, जो हो गया उसे भूल जाए, जो चीज़ों को पकड़े रखना जानते हैं, पकड़ के रखते हैं, बार बार एक ही चीज़ों पर बात करते हैं, वो दिल से या दिमाग से कभी भी परेशानी को दूर नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो दिमाग से भी परेशान रहते हैं, वो हुआ ये हुआ। इस तरीके से रिश्ते कभी भी अच्छा नहीं हो सकता और आपके दिमाग भी खाली नहीं होंगे। इसीलिए जो लोग लेट गो करना जानते हैं, माफ़ करना या माफ़ी मांगना, दोनों ही बहुत बड़ी बात है और आगे बढ़ना, तो ऐसा 90% लोग ऐसा करेंगे इस हफ्ते, और 10% जो रह जाएगा वो अपने आकर में रहेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो स्टक रहेंगे। हो सकता है उनके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, जैसा ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए लिब्रा। आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो, एरीज लियो के साथ भी। नो नीड टू वरी और मेडिटेशन, मैंने कहा ना जिन लोगों को लेट गो करने की आदत है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग जो है वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और चीजें सही होता जाएगा। जिन लोगों को परेशानी है, लेट गो भी नहीं कर पाते हैं, चीजों को जल्दी जल्दी भूल भी नहीं पाते हैं, बात को हल्के में लेके चीजों को क्लियर नहीं कर पाते, उनके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है कि शांत होना। मतलब दिमाग तो चलता रहता है ना, दिमाग में अगर आप कुछ चीज़ों को बातों को लगा के रखते हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आपके दिमाग चलते रहते हैं और आप परेशान रहते हो। आपके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। और जो लोग लेट गो कर रहे हैं, जो लोग चीज़ों को चलो जो हुआ हुआ फिर से शुरू करते हैं, उन लोगों के लिए नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्स है हमारे लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।